वहां पर भी उनके द्वारा जो निजी उद्यमी हैं उनके द्वारा कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां पर लोगों की जो भी लोग वहां आते हैं उस कार्यालय में या उस प्रतिष्ठान में उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग वहीं पर हो पाती है। उनकी जो प्रारंभिक जांच है वहां पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है, तो उनकी जो प्रारंभिक स्क्रीनिंग है वो कोविड हेल्प डेस्क पर हो जा रही है। कोविड हेल्प डेस्क एक नए कॉन्सेप्ट के रूप में और बहुत ही उपयोगी कॉन्सेप्ट के रूप में सामने आया है। आज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होता है, रेशियो होता है, आज उसके भी परिणाम सामने आए हैं। और 2016 से 2018 का जो पीरियड है उसके लिए मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो का के आंकड़े रिलीज किए गए हैं। और मुझे आपको ये सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो पहले 216 था प्रति लाख बर्थ, जो होता है 216 पर 1000 लाइव बर्थ, वो वहां से कोविड हेल्प डेस्क एक अब 197 हो गया है। 216 से गिर करके वो 197 प्रति लाख लाइव बर्थ हो गया है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में 19 जनपदों में न्यूमोकोकल वैक्सीन का देने का कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों में ग्रेजुअली प्रारंभ किया गया था। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो होती है वो बच्चों को निमोनिया से बचाती है, और निमोनिया जो है वो बच्चों की मृत्यु का जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है या जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट जो कहते हैं, जो 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों की मृत्यु होती है, उसमें निमोनिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। निमोनिया से बहुत सारे बच्चों की जान जाती है। तो ये न्यूमोकोकल वैक्सीन लगने से, इस वैक्सीन से फिर बच्चों को निमोनिया नहीं होता है और उनकी जान बचती है। तो 19 जिलों में हमारा ये कार्यक्रम पहले से चल रहा था। अब 56 जिले जो बचे हुए थे उनमें 8 अगस्त से ये कार्यक्रम 56 जिलों में भी प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रदेश के सभी 75 जिले न्यूमोकोकल वैक्सीन से आच्छादित हो जाएंगे। और आज उसकी 56 जिलों के जो इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स हैं, जो बाकी के डॉक्टर्स हैं, जो लोग बाकी सारे स्टाफ को ट्रेन करेंगे, आज उनकी ट्रेनिंग की गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन शहरों में एनसीआर के जो शहर हैं उनके अलावा जो और शहर हैं, बड़े शहर जहां की संक्रमण बढ़ रहा है, आज उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है और उस पर आज गहन विचार विमर्श हो रहा है, लखनऊ के ऊपर, वाराणसी के ऊपर, कानपुर के ऊपर, झांसी के ऊपर, कि इनको, इनमें संक्रमण को कैसे नियंत्रित किया जाए। आप सभी लोग सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना बचाव कर सकते हैं, और उसके लिए हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहना, सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी मेंटेन करना और अपने मुंह और नाक को ढककर रखना। मुंह और नाक को मास्क से ढकें, रुमाल से ढकें, दुपट्टे से ढकें, गमछे से ढकें, लेकिन ढकना आवश्यक है। आप जानते हैं कि अगर आप मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों में नहीं ढकते हैं तो आप पर 500 रुपये का जुर्माना हर एक बार हो सकता है। जितनी बार भी आपका चालान होगा इसमें हर बार आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए ये बेहतर है कि आप 10 रुपये का मास्क जो है लगाएं, और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ऐसा मास्क लगाएं जो कि घर का बना हुआ हो, जिसको आप धो करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। एक जोड़ी मास्क रखिए, एक आज लगाइए, उसको धो दीजिए, कल दूसरी लगाइए। तो मास्क या दुपट्टा या गमछा, इससे मुंह और नाक को ढकिए, इससे संक्रमण से आप बचेंगे। और जो वायरस होता है आपके शरीर के अंदर, मैं आपको बार बार ये निवेदन करता हूँ कि आपके मुंह और नाक और आंख के रास्ते ही अंदर जाता है ये वायरस। तो हमको अपने इस हिस्से को बचाना है, और इसको आप मुंह और नाक को ढक करके, कवर करके आप बचा सकते हैं। लोगों से दूरी, 2 गज की दूरी मेंटेन करके अपने आप को बचा सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, और दूसरों को भी बचाइए, अपने बुजुर्गों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, और जो लोग पहले से बीमार हैं, कमजोर हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी, इन लोगों को बचाइए, खुद भी बचिए, इन्हें भी बचाइए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अंतर विभागीय समन्वय की बैठक, कोविड 19 की बैठक सुबह 11 बजे आज शुरू की। कोविड 19 और संचारी रोग के नियंत्रण के लिए सभी विभागों को जोड़कर कैसे कार्य कराए जाए, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग, पुलिस, इसके साथ साथ जो है अन्य विभाग भी जो जुड़े हुए हैं इस पूरे कार्य से, उनके बीच कैसे काम हो, इस कार्य को देखने के लिए नोडल अधिकारी प्रत्येक जनपद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। 75 जिलों के लिए 75 प्रशासनिक नोडल अधिकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलॉट किए हैं, और पुलिस के भी 75 नोडल अधिकारी, पुलिस नोडल अधिकारी जो है प्रत्येक जनपद के लिए अलॉट किए गए। मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये निर्देश दिया है कि वो सैनिटाइजेशन और स्वच्छता जो है इसका पूरा विशेष अभियान शनिवार इतवार को सुनिश्चित करेंगे। सभी नोडल अधिकारी शुक्रवार की रात तक प्रत्येक दशा में अपने आवंटित जनपद में उपस्थित रहेंगे। अभियान के दौरान संचारी रोगों के रोकथाम के लिए भी, मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए, स्वच्छता के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए एक एक चीज का जो है फॉलोअप करेंगे। इसके दौरान छिड़काव और फॉगिंग भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। कल पूरे प्रदेश में जो टेस्ट हुए हैं 48,086 टेस्ट हुए हैं, और संभवतः पूरे देश में ये अग्रणी नंबर उत्तर प्रदेश का आ गया है। इतने टेस्ट जो है करते हुए राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश जो है 50,000 टेस्ट का जो पर डे का जो मानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया था, उसको अचीव करने का रास्ता अब साफ हो गया है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनके भी नई लैब्स, अब जैसा हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी नई लैब शुरू की है, उनकी भी नई लैब्स अब अगस्त तक तैयार हो जाएंगी। तो कोई कारण नहीं है कि टेस्ट की संख्या में और बढ़ोतरी ना हो। आरटीपीसीआर के टेस्ट लगभग 30,000 से 35,000 हो रहे हैं, ट्रूनेट से लगभग 2,000 से 2,500 हो रहे हैं, और रैपिड एंटीजन टेस्ट से लगभग 20,000 से 25,000 टेस्ट भी प्रतिदिन होंगे। तो निश्चय ही इससे बहुत फर्क पड़ेगा। टेली कंसल्टेंसी और चिकित्सकीय परामर्श को भी प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के लिए भी, कोविड के संदर्भ में जागरूक करने के लिए निर्देश है, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी मजबूत करने का निर्देश दिया है। झांसी, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर नगर और प्रयागराज में विशेष सतर्कता बरतनी है। इन जनपदों में बहुत ही डिटेल्ड में एनालिसिस करके, रिव्यू करके इनमें जो कोविड का स्प्रेड है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पुलिस बल के संक्रमण पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष जो है निर्देश डीजीपी साहब को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें जिम्मेदारी भी तय हो, यदि कहीं लापरवाही होती है तो कार्रवाई भी होनी आवश्यक है, जिससे कि कहीं भी हमारा पुलिस बल जो सबसे सेंसिटिव है उसमें कहीं किसी तरह की जो है इन्फेक्शन की स्थिति न रहे। प्रवर्तन ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स अवश्य उपलब्ध कराए जाए। आपको संज्ञान में है कि लगभग 40 करोड़ से अधिक पुलिस के कोविड से लड़ने के लिए बजट जो है राज्य सरकार पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट को दे चुकी है। कंटेनमेंट जोन में पुलिस बल का सहयोग प्रदान करने के लिए होमगार्ड और पीआरडी की और अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो एनसीसी कैडेट्स की भी सहायता ली जाएगी। L1 अस्पताल में और अच्छी व्यवस्था हो, स्वच्छता पूरी रहे, ये प्रयास किया जा रहा है। L1 कोविड अस्पतालों में मेडिकल के जो स्टाफ है, वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे L1 फैसिलिटी को और मजबूत और उपयोगी बनाया जा सके। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि गृह विभाग के अंतर्गत जो है जो कार्रवाई पुलिस बल द्वारा की गई है, 188 के अंतर्गत 1,12,486 FIR दर्ज कर दी गई है। 2,64,000 लोगों को नामजद कर दिया गया है। 95 लाख वाहन चेक किए गए हैं और 63,000 वाहन सीज किए गए हैं, और अब जुर्माना भी जो है 46.43 करोड़ रुपया हो गया है। फेक न्यूज पर भी विशेष कार्रवाई की गई है, 1,848 मामले फेक न्यूज के
सामने आए हैं। हॉटस्पॉट जोन की संख्या बढ़ी है, इसका रिव्यू भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हॉटस्पॉट्स के एरियाज में कैसे रैशनलाइज किया जाए और हॉटस्पॉट्स में लोगों को कैसे संक्रमण से बचाया जाए, इस पर विशेष रूप से आज विचार विमर्श फिर से होगा। 4,510 हॉटस्पॉट्स में 876 थानों में 10,55,000 लोगों का जो है चिन्हांकन करते हुए 10,55,000 मकानों का चिन्हांकन करते हुए 62,00,000 लोगों को चिन्हित इनमें कर लिया गया है। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो है एक बड़ा कार्यक्रम परिवहन निगम का भी जो है आयोजित किया गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 बस स्टेशनों का लोकार्पण और 7 बस स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है। इनको जो है जो अवध बस स्टेशन है उनकी 25 बसों का हरी झंडी दिखाकर उनका भी जो है उद्घाटन और उनको रवाना करने का कार्य भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ये आपको सबको विदित है कि लगभग 37,00,000 लोग जो आए हैं सबको किसी न किसी रूप में, चाहे तो बॉर्डर से लाने में, कोटा से लाने में, हरियाणा से लाने में, मध्य प्रदेश से लाने में, उत्तराखंड से लाने में, सबका बसों का उपयोग, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों का उपयोग हुआ, या रेलवे स्टेशन से उनको घर तक पहुंचाने में जो है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का उपयोग हुआ, या फिर कहीं बैरियर्स पर जो हमारे बॉर्डर पर बैरियर से वहां से बसों से लाने का जो है व्यवस्था दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने UPSRTC उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को, उनको सबको बधाई दी है, उनके माननीय मंत्री जी को, उनके प्रमुख सचिव साहब को, उनके MD साहब को, उनकी पूरी टीम को रोडवेज की बधाई दी है कि पूरे इस इमिग्रेशन कैंपेन में जो बाहर से लोग आए थे कामगारों को और जो हमारे श्रमिक आए थे उनके लिए विशेष रूप से जो है कार्य जो किया है वो तारीफ काबिल है। जो नवनिर्मित बस स्टेशन आज जिनका उद्घाटन हुआ है वो नैमिषारण्य सीतापुर चित्रकूट में, बस शेल्टर रुधौली बस्ती में, बस शेल्टर मनकापुर गोंडा में, बस स्टेशन डिबाई बुलंदशहर में, अवध बस स्टेशन अयोध्या मार्ग लखनऊ में, और लोकार्पण जिनका हुआ है गुरसहायगंज, इनका लोकार्पण हुआ है और जो शिलान्यास हुआ है वो गुरसहायगंज कन्नौज बस स्टेशन जालौन बस स्टेशन काठ मुरादाबाद बस स्टेशन दिबियापुर औरैया बस स्टेशन अलीगंज एटा और बस स्टेशन बदलापुर जौनपुर और बस स्टेशन चायल कौसम्बी का शिलान्यास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने UPSRTC को प्रोत्साहित किया है कि वो प्रयास पूरा करे कि प्रदेश के अंदर इस कोरोना के संकट के दौरान लोगों को कहीं दिक्कत न हो, उसका सहयोगी रहे। जैसा कि कहा जाता है UPSRTC के, आपका अपना साथी, तो वो अपना साथी के रूप में आपका काम करें, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और विभाग को बधाई भी दी है। हम अंत में ये कहना चाहेंगे कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, कल जो है लगभग 753 जो है FIR 188 के अंतर्गत दर्ज की गई है और 1,000 लोगों का चालान किया गया है। हम लोगों की तरफ से अपील होगी कि प्रत्येक जनपद में लोग हर हालत में जो है मास्क पहनकर जरूर निकलें, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, बच्चों को मास्क जरूर पहनाएं, जो भी कर्म का जो लोग जहां जा रहे हैं इंडस्ट्री वहां पर कोविड हेल्प डेस्क जरूर बने, कोविड हेल्प डेस्क का फायदा जरूर लें, किसी भी सूरत में बिना मास्क के कोई न चले, ये हमारी तरफ से अपील की जाती है। धन्यवाद, जय हिंद।